तो गाइस गुड मॉर्निंग, नए सुबह में नए शुरुआत के साथ एक नए वीडियो में फिर से आए हैं। तो वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं दादा सब आप लोग? तो मेरा बोलोगिन आज यहाँ से शुरू करते हैं। अपना बड़ा वाला गाड़ी लोअर परेल में खड़ा करके आया और छोटे वाली गाड़ी को लेके जा रहे हैं SB रोड दोषी बरोदर में मेडिसिन डिलीवरी के लिए। तो आज मंडे है तो बने रहिए, देखते हैं आज का जीवन क्या सिखाती है और क्या दिखाती है। अरे हे बाबू, हम ही हैं, स्पष्ट भाषा में बोल के समझाएंगे और दिखाएंगे। तो बस बने रहिए। और एक चीज़ आज मैं कहना चाहता हूँ गुड मॉर्निंग में, कि चाहने से कोई चीज़ अपनी नहीं होती, हर मुस्कुराहट अपनी नहीं होती। अरमान तो होते हैं बहुत सारे दिल में, मगर कभी वक्त तो कभी किस्मत साथ नहीं होती मेरी जान। तो बने रहे वीडियो में। मामा और हम दिन भर डिलीवरी देते रहते हैं, तो हम लोग सुबह से शाम तक दोनों साथ में रहते हैं क्या मामा? तो आज मामा पे एक गाना हो जाए कि तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती नजारे हम क्या देखें। तो हमारा ब्लॉगिंग चालू है, अभी हम लोग जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं मामा? मंगलदास मार्केट जा रहे हैं, दवा बाज़ार, फिर वहाँ से जाएंगे न्यू मरीन ड्राइव। तो बने रहिए वीडियो में। जी हाँ, तो हम लोग अभी मोहम्मद अली रोड में हैं और बड़ा ट्रैफिक का सामना करना पड़ रहा है सुबह सुबह के टाइम में। का मामा कुछ बोलेंगे आप कि ट्रैफिक क्यों है? ट्रैफिक क्यों है, कुछ बोलना चाहते हैं? सिंगल है। हाँ मामा बोलना चाहते हैं कि सिंगल का ट्रैफिक, यस सिंगल का ट्रैफिक है। तो बने रहे, सिंगल हो गया है। जी हाँ, मोहम्मद अली रोड। तो अभी हम लोग मोहम्मद अली रोड से कट के पाईधोनी जाने वाले हैं। देख सकते हैं ये पाईधोनी का रूट है, जिसे कहते हैं नाखोदा मोहल्ला कपड़ा बाजार। हाँ तो बने रहे वीडियो में, बड़ा ज़बरदस्त वाला नज़ारा होने वाला है मित्रों और दोस्तों। हम लोग फाइनली प्रिंसेस स्ट्रीट में है, मेडिसिन लेके जा रहा है सब। तो एक चीज़ का दिक्कत है ना, यहाँ पे हम दवा डिलीवरी करते हैं ना, फिर भी हवलदार परेशान करते हैं, फाइन मारते हैं। हम दवा डिलीवरी करते हैं, दवा सबको लगता है, तो सोच सकते हैं हमारे देश कहाँ जा रहा है। अभी तुरंत आ जाएगा, तुरंत चाहे गाड़ी निकालो। अरे भाई 5 मिनट रुकेंगे, दवा डिलीवरी देंगे, चले जाएंगे। तो हम लोग को भी नहीं रुकने देता है यार, ऐसा है ड्राइवर का जीवन यहाँ पे, किसको क्या बोलोगे, सब मैनेज करके चलते हैं यार, पकड़ लो। अभी जिस सिंगल में हम लोग खड़ा हैं, ये सिंगल देख सकते हो वहाँ पर 120 सेकेंड देता है। और ये मामा बड़ा परेशान हो जाते हैं, ये मामा कहते हैं ना मामा 10 सेकंड छोड़ता है और 120 सेकंड रोकता है, यानी 2 मिनट गाड़ी खड़ा करता है और 10 सेकंड छोड़ता है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं मामा, आप बोलिए। मैंने बोलता है जल्दी होना होता है सिंगल चालू, जितना वो रुकाता है उतना भी चालू भी रहना होता है। मामा का कहने का मतलब है 120 सेकंड अगर रुकाता है तो 120 सेकंड चालू रहना चाहिए, बट ऐसा चालू करेगा तो पूरा रोड ट्रैफिक हो जाएगा। मामा इधर 20 सेकंड टाइम देता है, 20 सेकंड उधर देता है, 20 सेकंड उधर, 20 सेकंड इधर देता है, कितना हो गया। और वो 10 सेकंड में ना मैनेज होता है मामा, थोड़ा आप नहीं समझ पाओगे सिंगल। हाँ। ये मार्केट है, ये हैवी मार्केट है, यहाँ ट्रैफिक ज़्यादा हो जाएगा इसके लिए। तो सिंगल इंजीनियर लगाते हैं गवर्नमेंट का, कोई ड्राइवर नहीं लगाते क्या मामा? हाँ तो इसमें कॉपरेट करना होगा। सेफ ड्राइव सेफ लाइफ, बने रहिए वीडियो में, ये देखो। हम लोग अभी न्यू मरीन ड्राइव में आ चुके हैं, मामा लेके जा रहा है ये वाला बिल्डिंग का डिलीवरी देना है। और अभी अंधेरी जाएंगे कार्गो, नहीं फिर जाएंगे परेल कैम हॉस्पिटल, जाएंगे परेल का कैम हॉस्पिटल। और ये है कंपनी रजिस्टर का कार्यालय, यानी कि भारत सरकार का ऑफिस है सामने में, समझे क्या? तो ये है न्यू मरीन ड्राइव। और आगे भी देख सकते हैं, जितना मेरी रहता है दिखाने का दोस्तों उतना तो हम दिखा ही देते हैं कि ज़िंदगी है जनाब, हर हाल में इसे जीना है, दुख हो या सुख मुस्कुरा के ज़माने का सामने आना है। और हमारी जिगरा को ना देखना मेरे यारो, रोते तो बहुत हैं आंसू बहता नहीं, जिस दिन आंसू बह जाएगी ना समंदर भी भर जाएंगे। तो डायलॉग बाजी करने नहीं जानते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती कोशिश करते हैं कि थोड़ा बहुत करेंगे।
तो आप लोग चैनल वा को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो मुंबई का दृश्य वाला नज़ारा हम ही दिखाएंगे, है ना। हाँ, बने रहें वीडियो में, अभी जाएंगे केएम हॉस्पिटल परेल। हाँ दोस्तों, हमारा लंच टाइम हुआ था तो हमने पूरी और बूंदी खाया। आज मैं वही लेकर आया था घर से, हम खाना नहीं लेकर आए थे। और मामा का तबीयत ख़राब था एक दो दिन, तो मामा दही और रोटी खा रहे हैं। और हमने मामा के लिए भी स्पेशल बूंदी मंगवाया था अलग से, क्या मामा? हाँ, तो मामा को भी बूंदी दिया, हम भी खाए। और अभी हम लोग का जहाँ खाना खा रहे हैं वो वीटी से जो सीधा रेक रोड, ढाकिया रोड, वडाला, मस्जिद बंदर तरफ चले जाते हैं, काला चौकी की तरफ, तो इसी में केएम हॉस्पिटल पड़ता है, केएम हॉस्पिटल। तो केएम हॉस्पिटल का उधर हम लोग डिलीवरी देने जा रहे हैं, अभी हम लोग खाना खा रहे हैं, क्योंकि हम लोग भी इंसान हैं, हम लोगों को भी भूख लगता है, क्या मामा? हाँ, तो मामा भी रोटी खा रहे हैं, हम भी खा लिए। बने रहिए वीडियो में, आप केएम हॉस्पिटल के पास जाके दृश्य वाला नज़ारा दिखाएंगे। और अगर हमारा चैनल वा ने सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मुंबई का गली गली का वीडियो हम ही दिखाएंगे मेरी जान। रोड से सीधा हमें जाना है, ये रोड सीधा वडाला चले जाएगा, काला चौकी, रेक रोड, ढकिया रोड, सीवड़ी, कटनगिरी, लाल बाग, सेंडास रोड, मस्जिद बंदर, डोंगरी पूरा। तो हमें जाना है परेल, केएम हॉस्पिटल परेल जाना है। तो बने रहे वीडियो में, दिखाते हैं परेल का केएम हॉस्पिटल। हम लोग आ चुके हैं परेल ना मामा। अब बस यही दो डब्बा था, उधर मेडिकल में देना है। और ये देखिए, सामने देख सकते केएम हॉस्पिटल है। आप लोगों से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हर मर्द चाहता है कि मेरा घर में सुख शांति से सब रहे, और रात दिन मेहनत करता है, मगर पैसा का कमी पड़ जाता है। मिडिल क्लास का जीवन है ना, बड़ा कठिन है दोस्त। तो लड़ने का नहीं, झगड़ने का नहीं, अपना जीवन को बनाने का और मेहनत करने का, मुस्कुरा के जीने का। और अगर मुस्कुरा के नहीं जियोगे तो रोते रोते एक दिन हो जाओगे, क्या समझे? तो मुस्कुरा के जीने का। दोस्तों, ये है कार्गो, मतलब कार्गो एक ये एजेंसी है, मतलब कार्गो में माल एक्सपोर्ट करता है, तो ट्रांसपोर्ट में आई है, हम लोग इसको कार्गो ट्रांसपोर्ट ही कहते हैं। अब दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं अमन जूस सेंटर साकीनाका, उसी का बाजू में है, यहाँ एक फेमस है अमन जूस सेंटर साकीनाका में। वहाँ इंडस्ट्री एरिया में आए हैं दवा डिलीवरी देने के लिए, मामा गए हैं दवा लेकर, हम थोड़ा एक वीडियो बना ले रहे हैं। और बड़ा गजब और दृश्य वाला नज़ारा है, एकदम शांत, चारों तरफ एसी चल रहा है, खुशबू हवा चल रही है, गजब, बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ पे। साकीनाका का अमर जूस सेंटर बड़ा फेमस है। दो दिन पहले सौरभ जोशी यहाँ पे आए थे अमर जूस सेंटर में, रात को खाना खाने, लगभग 1:30 बजे। और उस दिन ना मैं भी एक गाड़ी लेकर आया था, बट मैंने ना मैं देखा सामने बंदा खा रहा है, इडली खा रहा था रात को अमर जूस सेंटर का, उसका नाम है अमर जूस सेंटर, पर वहाँ जूस खाना वगैरह सब मिलता है। तो मैंने फ़ोटो भी नहीं लिया, क्योंकि भाई वो बंदा सक्सेस बनता है। हम लोग यूट्यूब में अभी बच्चे हैं, नया आए हैं, कोशिश करेंगे हम लोग भी बड़े बन जाएंगे, बट अहंकार है बंदा के अंदर में। मैं बोलना नहीं चाहता था बट बोल दे रहा हूँ, वो बंदे के अंदर में अहंकार है, और अहंकार जिसका अंदर रहता है वो कभी टिके नहीं रहता। 5 साल बाद, 10 साल बाद वो गिरते बड़ा ज़बरदस्त है, चाहे फिरौन हो, चाहे और कोई हो, मतलब घमंड किसी का नहीं टिकता है। मतलब उसका जो एक बात करने का ईगो है, जो क्वालिटी है, वो आम आदमी, आम पब्लिक से मिलना नहीं चाहता, इसके लिए अपन भी नहीं मिले। तुम खुश, हम खुश। मालूम नहीं ना उधर से गाड़ी जाता है कि नहीं जाता है, वो नहीं पता। हम लोग का लास्ट डिलीवरी बाकी है, अभी मामा और हम चाय पी रहे हैं, अब जाएंगे गोरेगांव ना मामा। लास्ट डिलीवरी गोरेगांव देंगे, और हम लोग मामा भगना का जोड़ी फिर टूट जाएगी आज के लिए, फिर कल सुबह मामा भगना की जोड़ी लग जाएगी, क्या मामा? हाँ, हम लोग सुबह से शाम तक मामा भगना दोनों साथ में काम करते, दोनों लड़ते भी हैं, दोनों भड़कते भी हैं, फिर दोनों प्यार से चाय पीते, क्या मामा? हाँ। तो जीवन में मुस्कुरा के जीना,
और काम करते करते ब्लॉगिंग करना हमें बड़ा अच्छा लगता है। क्या मामा? हाँ चलो मामा गोरेगांव चलते हैं। मामा बड़ा परेशान रहता है कि जल्दी जल्दी हो जाएगा तो घर जाएंगे। हाँ मामा हम भी परेशान रहते हैं लेकिन क्या करोगे, परेशानी तो बड़ा है ज़िंदगी में मामा, बड़ा ज़िंदगी में परेशानी है। यही जवानी को अचार डाले जाएगा, बुढ़ापे में खाया जाएगा। क्या मामा? हाँ अंधेरी में है दोस्त, देख सकते हो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। अभी क्या पता अभी कब तक हम लोग ट्रैफिक से निकलेंगे। सोचे जल्दी होगा, काहे का जल्दी होगा, हम लोग जिस दिन सोचते हैं जल्दी होगा उस दिन नहीं होता है। चलो बने रहो। ओह नाइस, मालूम नहीं। ये देखो इधर कंपनी भाई, जिंदगी झंड है तैयो घमंड है, आधा घंटा से ट्रैफिक में है। तो हम लोग गोरेगांव पहुंच चुके हैं। क्या मामा? गोरेगांव आली रे बाबा आली। अब 2 मिनट थमा, माल डिलीवरी होना रहे, परत परत घर ही जाना रहे। काय मामा काय बोलते, चंगला ये रहा गोरेगांव। ओके बने रहा वीडियो में। बस दोस्त लास्ट डिलीवरी आई है और ये सब जो है ना एक्सपायर डेट वाला है, ये सब एक्सपायर हो गया है, सब पुराना दवा है। तो ये सब बताएं ये क्या है, ये कुछ तो है देखिए ना, ये सब एक्सपायर हो गया है। ये भी एक्सपायर है, 19/3/2024 एक्सपायर तो नहीं है, रिटर्न माल है। ये जो आंटी जी हैं ये 10-15 कुत्ते को पाले हुई है, अपना हस्बैंड का पेंशन, अपना पेंशन मिलता है, दिन भर खाना बनाती है और कुत्तों को खिलाती है। ये हमें बड़ा पसंद आया। तो मेरे तरफ से मेरा जीवन का 10 दिन आंटी को गिफ्ट कर दिया। चलिए आंटी, और ये है काली, और वो है दिलवाली, और वो है मुंबई वाली, और वो है आंटी जी खिलाने वाली। हाय रे हाय रे, हाँ मैं बताने वाला, चमत्कार दिखाने वाला, मुंबई को स्पष्ट भाषा में कैद करके ब्लॉग बना के दिखाने वाला। तो चैनल वा नींद लग रहा है, हंगाई ले तो बस सर अबू बैठ बैठ के खाता। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो दोस्तों 5 बज गया, फाइनली हम लोग का गोरेगांव में लास्ट डिलीवरी ख़त्म कर दिए। मामा चलान लेकर आ गया, गार्डर लगा रहे हैं। अब मामा भी छुट्टी, हम भी छुट्टी, अब गाड़ी लेके चलेंगे वर्ली नाका, और वर्ली में गाड़ी को लगाएंगे श्री राम बिल्डिंग के पास, और वहीं से अपने ब्लॉगिन को ख़त्म नहीं करेंगे। फिर लोअर परेल जाएंगे, ट्रेन पकड़ेंगे, गिरान रोड जाएंगे, घर जाएंगे, तब ब्लॉगिन को ख़त्म करेंगे। तो बने रहिए, आपका माल का, आपका आइटम का कसम है जी। हाँ या तो आपका मेहरारू का कसम है, सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ मामा सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ मामा मेरा रोज़ वीडियो देखता है घर में जाके ना मामा। हाँ तब मालूम है। चलो तब श्री राम बिल्डिंग में गाड़ी लग चुका है और हम वर्ली से पैदल चल के लोअर परेल जा रहे हैं। तो बने रहिए। तो ट्रेन में बैठ चुके हैं, लोअर परेल से निकल चुके हैं, आएगा अभी हमारे स्टेशन गिरान रोड आने वाला है 2-3, अभी बॉम्बे सेंटर आएगा फिर आएगा। हाँ तो बने रहे वीडियो में। और क्या नज़ारा है यार, नहीं रहा गिरान रोड में उतर गए भैया, अब जा रहे हैं घरे। तो अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, चैनलवा को मुंबई देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। अब घरे तक नहीं घुसेड़ेंगे ब्लॉगिंग वीडियो, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, मंदे मातरम, मेरा भारत महान।